Frutas, naranja. Esa es mandarina, mango maduro y mango verde. गार्ड वगैरह सारे बंदूक लिए खड़े रहते हैं सड़क में जगह जगह. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल पैसेंजर परमवीर पर. और हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं लेके आ गया हूँ एक नए और यूनिक देश की वीडियो. मैं हूँ फिलहाल अभी ग्वाटेमाला में, विच इज़ अ कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका. नॉर्थ में और वेस्ट में ये बॉर्डर्ड है मेक्सिको से, नॉर्थ ईस्ट में बेलीज और कैरिबियन सी से, ईस्ट में होंडुरस से, साउथ ईस्ट में और साउथ में पैसिफिक ओशियन से. आज है मेरा पहला दिन ग्वाटेमाला में और मैं हूँ फिलहाल इनकी कैपिटल सिटी ग्वाटेमाला सिटी में. मैं सुबह आया था, आपने देखा होगा जैसे बॉर्डर क्रॉस करके बेलीज से मैं ग्वाटेमाला एंटर करा फ्लोरेस सिटी में. वहाँ से फिर बस पकड़ के मैं इधर पहुँचा इनकी कैपिटल सिटी में. तो अभी बेसिकली मैं पहली बार निकल रहा हूँ सिटी में और फर्स्ट इंप्रेशन देखते क्या होंगे अपने इस सिटी के, इस कंट्री के. ग्वाटेमाला कंट्री की पॉपुलेशन मैं आपको बता दूँ लगभग 17-18 मिलियन है, जो कि 2 करोड़ से भी कम है, यानी कि दिल्ली की पॉपुलेशन से भी कम है या फिर हरियाणा की पॉपुलेशन से भी कम है. हालांकि इतनी कम पॉपुलेशन है फिर भी ये सेंट्रल अमेरिका की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है. जी हाँ, सेंट्रल अमेरिका इस रीजन में जितनी भी कंट्रीज है उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्वाटेमाला की है. और ये जो एरिया है ये इतना अलग है ना, अलग ही रहा मैं सेंट्रल अमेरिका में. देखो कितनी सारी मॉडर्न बिल्डिंग्स वगैरह, इतना एडवांस है ना ये इलाका. मैं सुबह बस स्टेशन पर आया वो तो लग रहा था कि मैं सेंट्रल अमेरिका में, वहाँ से 5 मिनट दूर भी नहीं था ये इलाका, 1.5 किलोमीटर. इधर आती है ऐसे लग रहा था पता नहीं मानो गुड़गांव में आ गया, गुड़गांव के मॉडर्न वाले पार्ट में, ऐसा सा नहीं लग रहा बिल्कुल. ये देखो सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह, अच्छे से लोग रूल फॉलो कर रहे हैं इस जगह पे, एकदम साफ, कहीं भी बिल्कुल भी गंद भी नहीं है. ये देखो कांच की बिल्डिंग्स, थोड़ा सा भी लग रहा है मानो दुबई हो या हांगकांग हो, ऐसी सी फीलिंग आ रही है इधर तो इसी इलाके में. ग्वाटेमाला सिटी है ना अलग अलग जोन्स में डिवाइडेड है, टोटल शायद 21 जोन्स है इस सिटी के और मैं हूँ अभी जोन नंबर 4 में, यानी कि क्वात्रो स्पैनिश में. और इनका जो सेंटर है ना या फिर ओल्ड टाउन या जो सबसे पुराना जोन जिसे कह लो, वो ऑब्वियसली जोन 1 है. उससे मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ, लगभग 25 मिनट की वॉक है. तो जोन 1 में अपन चलेंगे, सिटी सेंटर को एक्सप्लोर करेंगे और फर्स्ट इंप्रेशन देखते हैं. कोई आगे अगर सिर्फ ये इलाका देखेगा ना तो सोचेगा ग्वाटेमाला तो दुबई है पूरा, पर असली ग्वाटेमाला देखने के लिए अपने को इस इलाके से बाहर निकलना पड़ेगा. हाँ लेकिन अगर आपको ग्वाटेमाला सिटी का अच्छा पार्ट देखना है तो अभी तक मैंने जोन 4 ही देखा है और ये पार्ट तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा. मैं सोच रहा था ये मेट्रो की एंट्रेंस तो नहीं है क्योंकि मैंने नेट पर रिसर्च करा था और मेरे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सिर्फ टैक्सीज और बसेज का ही ऑप्शन दिखा था, तो मैं सरप्राइज था कि मेट्रो भी है पर ये बस रोड क्रॉस करने के लिए नीचे से. काफ़ी दुकानें पता नहीं क्यों बंद पड़ी है इस इलाके में. आज फ्राइडे है और 30 दिसंबर है, तो यूँ भी नहीं है कि भी वीकेंड हो, सैटरडे संडे हो या न्यू ईयर, तो वैसे भी कल है, पता नहीं क्या वजह है. वो सामने एक बस स्टॉप है, उधर जाके लोगों से पूछता हूँ कि भी जोन 1 की बस मिल जाएगी इधर से. तो भाई मैंने पुलिस वाले से पूछा कि भी टिकट कहाँ से मिलेगी, बस की टिकट कहाँ से मिलेगी जोन 1 में जाना है, तो बोला वीज़ा कार्ड है आपके पास या कोई भी कार्ड है वो कार्ड टैप कर दो डायरेक्टली बस स्टेशन पर. ऐसा भी होता है, US में ये चीज़ हुई है रिसेंटली न्यूयॉर्क में, पर पता नहीं देखते हैं. ओ भाई डायरेक्टली इससे ही होगी पेमेंट, वाह. दिस कैंडर है, यही बस है डायरेक्टली. भाई एक ग्वाटेमाला क्वेचल कट गया, कुछ कार्ड नहीं लेना पड़ा, कोई टिकट नहीं लेनी पड़ी, सीधा इस कार्ड से डायरेक्ट पेमेंट होगी, मतलब इंडिया के 10.5 रुपये कट गए. करेंसी के बारे में आगे पहुंच के बात करेंगे. इसमें तो भीड़ है, अपन अगली ले लेंगे. अबे यार लोग बस में जैसे बाय करने लग रहे थे. ये देखो यहाँ पे सब स्पेनिश में लिखा मिलेगा क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है, इंग्लिश में कुछ नहीं मिलता. ये शायद डेडिकेटेड बस लेना है वाली अलग से. यार बाकी मैं तो इम्प्रेस्ड हूँ बहुत ज़्यादा ग्वाटेमाला सिटी को देख के अभी तक. इसमें भी फुल भीड़, जोना उनो उनो सी. Pero que quiero comerte a besos si Dios quiere se nota a romperte como todos los versos esto no es casualidad de la forma en que tenemos sexo solo.
ये शायद सेंटर है इनका और उतर गया मैं इधर आसपास, इधर ही घूम लेंगे। मतलब एक किलोमीटर से भी कम में कितना डिफरेंस आ गया। प्रॉपर मार्केट स्टार्ट होगी। यहाँ पे ना एक तो प्लेन बहुत उड़ते रहते हैं हर टाइम, प्लेन्स की आवाज़ आती है हर 2 मिनट में, ऊपर से प्लेन गुजरता है। मैं आ गया अभी इनके सेंटरों में, सेंटर काफ़ी पास है, शायद फर्स्ट जोन ही है। ग्वाटेमाला सिटी की पॉपुलेशन है सिर्फ 1 मिलियन है, यानी कि 10 लाख, जो कि इसकी टोटल पॉपुलेशन का 3% भी नहीं हुआ शायद, या 3% के करीब होगा। फिर भी ना लेकिन ये सेंट्रल अमेरिका की सबसे बड़ी सिटीज़ में से, मतलब टॉप 2-3 में आती है इस रीजन की, जो सबसे बड़ी सिटीज़ है पॉपुलेशन वाइज। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि इधर सिटीज़ में मतलब इतनी पॉपुलेशन होती नहीं इस हिसाब से। अपने इंडिया में छोटी सिटीज़ में होती है 10 लाख। तो ग्वाटेमाला इज़ द लार्जेस्ट इकॉनमी इन सेंट्रल अमेरिका, मतलब इधर की GDP काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज इन लैटिन अमेरिका एज वेल। अमीर और गरीब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है यहाँ पे, इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा अनइक्वल है, अपने इंडिया की तरह ही है, उससे भी ज़्यादा है। बाकी आप समझ ही गए होंगे कितनी अनइक्वल है। 5 मिनट से भी कम में कैसी बिल्डिंग्स थी, और अभी हम एकदम पुराने सेंटर में आ गए। यहाँ पे टूटी फूटी बिल्डिंग्स और बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका, साफ़ सफाई भी उतनी नहीं है। लैंग्वेज की बात करें तो इधर की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश, और इंग्लिश बहुत ही कम लोग बोलते हैं, ना के बराबरी। करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी है ग्वाटेमाला केत्साल, जो कि एक कुत्सल में US के $7.8 होते हैं शायद, नहीं सॉरी, एक $1 में 7.8 कुत्सल होते हैं, और एक ग्वाटेमाला कुत्सल में अपने इंडिया के 10.5 रुपये होते हैं। तो मेरी बस की टिकट लगी एक ग्वाटेमाला कुत्सल, यानी कि इंडिया के 10.5 रुपये। रिलीजन की बात करें तो यहाँ पे मोस्टली लोग लगभग 88% क्रिश्चियनिटी फॉलो करते हैं, और बाकी नो रिलीजन है ऑलमोस्ट, बाकी सारे जितने ही बचे 1-1% होंगे जो कोई और रिलीजन होंगे। तो एथनीसिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी सारी एथनीसिटीज़ है, पर मेनली 2 ही है, मेस्टिसो पीपल यानी कि जो मिक्स रेस है, और माया पीपल की। ये था वो बस स्टैंड जिधर मैं सुबह आया था, कुदरती यहीं पहुँच गया मैं तो दोबारा, सुबह मेरी बस इधर आई थी। तो ये इलाका देख के आप आइडिया लगा सकते हो कितना अलग है जिधर मैं अब रहने लग रहा हूँ उससे। टूरिज्म ना काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है इनकी इकोनॉमी को, हर साल लगभग 20 लाख टूरिस्ट के करीब इधर आते हैं, और ग्वाटेमाला पॉपुलर है अपने मायान रुइंस के लिए, लेक्स के लिए, वॉल्केनोस के लिए, और उसकी हाइकिंग के लिए। और सेंट्रल अमेरिका का जो सबसे हाईएस्ट वॉल्केनो है ताहू मुल्को, वो भी ग्वाटेमाला में ही है। भीड़ देखो इधर सेंटर में काफ़ी भीड़ है, और कोई रेड लाइट वगैरह भी नहीं, अपने हिसाब से ही रुक रहे हैं, जिसे रुकना हो, जिसे नहीं रुकना हो वो नहीं भी रुक रहे। तो भाई बहुत फैक्ट्स की बात कर ली, अब थोड़ी सिटी एक्सप्लोर करते हैं। एक तो ना यहाँ पे गार्ड वगैरह सारे बंदूक लिए खड़े रहते हैं सड़क पे जगह जगह, मतलब हर जगह, कई दुकानों के बाहर भी दिखे मुझे, बैंक्स के बाहर भी काफ़ी आर्म्ड गार्ड्स है जगह जगह। अभी मैं वॉक करने लग रहा हूँ इनके पहले सियोनाल दे ला कुल्चुरा, यानी कि नेशनल पैलेस ऑफ कल्चर, जो कि 5 बजे बंद हो जाता है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी वॉक करना पड़ेगा। उधर भी गार्ड्स खड़े थे कई सारे। एक सही चीज़ मेरे को क्या लगी, हर ना बस स्टेशन पे एक ही पुलिस वाला खड़ा रहता है इधर। अब देखो इधर कोई भी नहीं है रोड पे, बस स्टैंड भी खाली पड़ा है, फिर भी पुलिस वाला खड़ा है। ये दुकानें क्यों बंद है, मेरे ये नहीं समझ में आने लग रही यार। कोई लोकल मिले जिसके समझ में आए मेरी बात, और मेरे उससे पूछूं। आप लोग जानते हो मैं मेक्सिको में स्पेनिश सीख रहा था, तो मैंने 1 महीना वहाँ स्पेनिश सीखी, उसके बाद मैं चला गया बेलीज में स्पेनिश नहीं बोलते, इंग्लिश बोलते हैं मोस्टली। इकलौती ऐसी कंट्री है सेंट्रल अमेरिका की जिधर की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, बेलीज। उधर दोबारा मेरा टच छूट गया स्पेनिश का, और यहाँ पे स्पेनिश का एक्सेंट भी थोड़ा अलग है ऑब्वियसली मेक्सिको से, तो अब मेरे को दोबारा थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, 2-3 दिन लगेंगे। बीच बीच में इनका आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा है यार, ये बिल्डिंग भी सुंदर सी है, हरी सी है ना, बंद पड़ी है। ये बच्चों का हॉस्पिटल है शायद, ये जो लिखा है ना काए, LL को Y प्रोनाउंस करते हैं स्पेनिश में, तो ये 13 Calle A, यानी कि स्ट्रीट 13A इसका मतलब। भाई ये देखो बत्ती लाल हुई, इतने में ही ये आ गई एक औरत और बच्चा जगलिंग करने, करके आप पैसे मांग रहे जिनको देने हो। मेरे पास खुले पड़े है गई जेब में।
से बड़ी तरेड़ है भाई। ये देखो भाई, ये पटाखे फोड़ रहे थे यहाँ पे सड़क पे। थोड़ी देर पहले ही मैं आर्किटेक्चर की बात कर रहा था, और अब ये देखो ये बिल्डिंग। कितना यूनिक और डिस्टिंक्ट सा है इसका आर्किटेक्चर, है ना, और इसके साथ वाली ये पीछे भी। बाकी उनने पटाखे फोड़े थे ना, तो वो पटाखों की खुशबू सी आती है वो फटने के बाद, वो धुएं की खुशबू सी, ऐसा लग रहा है मेरे को मानो दिवाली हो। दिवाली पे मैं इंडिया नहीं था, अब की बारी मैक्सिको था, तो घर गया मेरे को, कितने 5-6 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं, तो एकदम घर की सी याद आ गई खुशबू सूंघ के। वाह ये देखो यार क्या चीज़ है ये, सेंट्रो कल्चरल अरे ये इनकी कोई कल्चरल बिल्डिंग है तभी इसका ऐसा वो है, म्यूनिसिपैलिटी की। ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है कि इधर भी एक बंदूक के साथ गार्ड खड़ा है। मिनिस्टेरियो पब्लिको, ये इनका झंडा ग्वाटेमाला का, ब्लू और वाइट, बैटमैन। एक एक कार्टून है भाई बाकी इस शहर में भी। थोड़ी देर पहला ही दिन है आज, पर काफ़ी अलग लग रहा है मेरे को। बेलिस तो बहुत ही मतलब डाइवर्स था इतना छोटा हुए बाद भी, ये भी बिल्कुल अलग लग रहा है। हालांकि सेम कॉन्टिनेंट में सारी कंट्रीज, मैक्सिको ग्वाटेमाला बेलिस, पर फिर भी एक दूसरे से अलग अलग है काफ़ी। ये किरियाने की दुकान है, इसके बाहर भी गार्ड है। बाकी इधर का रूल है ये लैटिन अमेरिका का, कभी भी ना चीज़ें फ्लैश मत करो। महंगा फ़ोन है, कैमरा है, पैसे है, वॉलेट है, ऐसी चीज़ें कभी भी रोड पे चलते हुए मतलब दिखनी नहीं चाहिए और लोगों को। अब जैसे मेरे हाथ में फ़ोन है तो ये चीज़ें मतलब, और रात को अवॉइड करो, अकेले अवॉइड करो। बाकी मैं तो तैयार रहता हूँ हर वक्त, कोई भी अड़बात हो जाए तो पजामे जूते में ही रहता हूँ। इन देशों में भागना पड़ते, लड़ना पड़ते, हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। वाह ये आ गई भाई सामने इनकी सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग पूरे देश की, ग्वाटेमाला की नेशनल पैलेस ऑफ कल्चर। ये इनके प्रेसिडेंट का भी हेडक्वार्टर था, मतलब थी ये बिल्डिंग पहले, अभी पता नहीं। बाकी मैं इधर इससे ज़्यादा भीड़ एक्सपेक्ट कर रहा था यार, उधर पीछे मार्केट में इतनी भीड़ थी, इधर जितनी मैं सोच रहा था उससे कम भीड़ है। वीकेंड भी हो रहे यार आज तो, पता नहीं क्यों, बाकी लोग भी इधर कम है पर उधर तो इतने थे। तो ये बिल्डिंग भाई 1939 में बनाई गई थी, और मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड स्पोर्ट्स कंट्र आती है ग्वाटेमाला में। थोड़ी सी सिमिलर मैं कह सकता हूँ ये सिटी, थोड़ी सी मैक्सिको सिटी से सिमिलर है, उसके भी सेंटर में एक ऐसी पैलेस है, ऐसी सी जगह है वो भी। खूब सारे कबूतर है यार यहाँ, दाने डाल रहे लोग। ओ भाई इधर से देखो कितना सुंदर लग रहा है, मस्त है ना। गजब यार गजब। Tienes protector de pantalla para iPhone 14. 14 Pro, Pro normal. Pro, sí. Pro? Sí. Sí, right. Okay. तो भाई मैंने मेरे फ़ोन का गार्ड पूछा है क्या इसके पास, क्योंकि इसमें एक दो क्रैक आए हुए हैं, तो मैंने सोचा लगवा लूँ अगर हो तो सस्ता होगा, तो वो ड्राइव बताता हूँ। पूछने गया वो लड़का, इनके पास 13 का था, 14 का नहीं था, 35 का बोल रहा है। नहीं इंडिया के कितने, 360 एक रुपये का नॉर्मल, 14 प्रो का, पर कह रहे 10 मिनट रुकना पड़ेगा मंगवाना है। 45 45 ग्वाटेमाला क्वेट्सल, यानी कि अपने इंडिया के 460 एक रुपये का मैंने लगवा लिया। स्क्रीन गार्ड लगाया तो बढ़िया है, नया सा एकदम फ़ोन बढ़िया हो गया। एक ये भाई मिल गया था, ये एल सेल्वाडोर में था, ग्वाटेमाला का ही है, इसकी सिटी यहाँ से 17 घंटे दूर है, ये बस की वेट कर रहा है, तो मैं इसके साथ बातों में लग गया। थैंक यू ब्रदर, इट वॉज वेरी नाइस टू सी यू टू, बाय बाय। चलो भाई यहाँ पास में एक नाई है, मैं सोच रहा हूँ बाल कटवा लूँ, कटवाने तो थे मेरे को किसी मतलब एकदम टिपिकल कोई स्पेनिश नाई से, कोई गाँव घूमे ऐसे, पर अब नया साल आ रहा है, कल परसों मेरा जन्मदिन भी है, वैसे तो मैं मनाता नहीं, पर चलो
दाढ़ी वाड़ी बाल अजीब से हो रहे हैं थोड़े, डैंड्रफ भी हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलो कटाई लेता हूँ यहाँ से, एक मिनट दूर है ना ही। उसके बाद कुछ खा पी लेंगे। यहाँ पे क्या बेच रहे हैं? फल है ये तो। ओला ओला के पैन फ्रूटास नारंगा एस्टा मंडारिना मैंगो मैडूरो और मैंगो वर्दे। ओके एस्टा ला ला क्वेंटा कुस्टा 10 y 7 y 5 5 5 10 7 que sale es el verde. Verde. Ajá. Ah. Pepita, sal, consomé, tajín o miel. Pepita, sí. Pepita. Sí. Sal. Sal poco. Poco va. Poco. Limón. Poco. Poco también. Todos poco poco. 10, sí. 10, ajá. तो भाई ये 10 ग्वाटेमाला क्वेटल यानी कि अपने इंडिया के 105 रुपए के ये आम है। ये हरे वाले आम थे मतलब अंबिया, और ये वाले थे ग्रासियास। ये है ऑरेंज यानी कि नारंगा, ये थे 5 के यानी इंडिया के 50-51 रुपए के, ये 100 के। तो मैंने सोचा आम खा लेते हैं, बहुत दिन हो गया आम खाए। आम भी पहली बार खा रहा हूँ नमक मिर्च और मसालों के साथ। नहीं आम तो अपने ऐसे ही खाते हैं भाई, इसमें ऊपर ऊपर ही थे आम, नीचे गुठली है नहीं रही, तीन गुठली है ये बड़ी बड़ी बहुत सारे हैं भाई। अब ढूंढते हैं अपना नाई। इधर सी की दिखा रहा था लोकेशन, तो वो रहा इस मार्केट से मैं अंदर घुस गया। किंग्स बार्बर, फैंसी सी दुकान लग रही है तो, पर चलो जो भी अपना काम हो जाए। होला हेयर कट करते देखते हो आखी राशी रा। बाल कटवा लिए भैया अपने, एक बार तो कार्टून बना दिए थे उसने प्रॉपर, साइड से कलम इतनी पतली कर दी दोनों, फिर मैं बोला इसे जीरो ही कर दे, कर कुरा के फिर सेट करवाया। ठीक है अब जैसे भी है, इस एरिया में इनके दाढ़ी पूरी ढंग से आती नहीं है, तो ये जो आती है बहुत पतली पतली काटते हैं, तो मेरी भी आपने देखा कट कुट मार गई, इतने कट मार दी दाढ़ी में, ये पतली से ही कर दी अजीब सी। ठीक है फिर चलो जैसे भी कट गए सही है। ये इनकी मेन मार्केट सी यार, सेंटर में बढ़िया जगह है ये तो। मैं अलग ही सोच रहा था जल्दी चला जाता हूँ वापस हॉस्टल और जिम चला जाऊँगा, जिम बंद ना हो जाए यार, पर ये घूमना भी जरूरी है। एक तो ना ये लोग कैमरा फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है, रिकॉर्डिंग में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती कहीं भी, हर आदमी कैमरा देखते इतना खुश हो जाता है खुद से ही आता है आगे। एक ये रेस्टोरेंट है चिकन का, इसके गूगल पे खूब सारे रिव्यूज थे बढ़िया, मैंने सोचा इधर जाए खा लेता हूँ। ये तो फ्राइड है भाई, मैंने ग्रिल मांगा इनसे, सोलो आला परिया सोलो una pieza cuatro cuatro mucho no mucho और dos tres si es por favor 1 2 3 ओके Propina. Me estoy esforzando. Yo quería ver tip lúgida, de ahí se le querría. Ok, ok, propina, ok. Ay, ya ves. ¿No ves? Tres, ok. But... ¿La cuánta? Ah, sí, es esto. No soda, I don't drink it. ¿Jugo? ¿Tienes jugo? De naranja. ¿Naranja? Ok. 57. ¿Propina? Bien. ¿Cuánto vas a hacer propina? Bien. Me esforcé. Mucho, mucho. ¿Mucho? Ok, propina 57. Ah, ¿ves? Cabal. Le repongo. Cabal. Ahí estamos, cabal. Cabal. What? What happened? यार ये मेरे मजे ले। अब
दे नादा। पता नहीं क्या मेरे मजे लगने लग रहे थे भैया, तो ऐसे जा रही है सारी लड़कियां सारा स्टाफ। मेरे को फ्राइड नहीं खाना था दरअसल, फालतू की उसमें पता नहीं कौन से तेल में फ्राई करते होंगे और इतनी कैलोरीज, तो मेरे को ग्रिल्ड चिकन खाना था। बोला तो मैंने इन्होंने, पता नहीं ये समझ गए और वही देंगे या नहीं देंगे क्या देंगे। मेन्यू मैंने आपको दिखाई दिया था ऊपर स्क्रीन पे, तो मेरा ये आया है 57 ग्वाटेमाला क्वेटसल कुत्सल जो भी है, तो ये अपने इंडिया के 600 रुपये का है। हाँ इन्होंने ये बार क्यों लिख दिया, तो टेक अवे लिख दिया इन्होंने, मेरे को तो यहीं खाना था। आ गया भाई अपना खाना, ग्रिल्ड ही है शायद, साथ में ये ब्रेड का बंसा और इसमें जूस है संतरे का और ये कुछ केचप सी। तो ये है भाई 600 रुपए का खाना ग्वाटेमाला में। वैसे तो सस्ता है ग्वाटेमाला, पर ये शायद महंगी जगह है जिधर मैं खा रहा हूँ, मतलब वैसे भी यूएस से कंपेयर करोगे तो सस्ती है ये जगह, पर इंडिया के हिसाब से शायद थोड़ी महंगी हो। ठीक है बस जो भी है पेट भरना है, खाना लिया खा ठीक सा, पेट तो भर गया एक बारी के लिए। और ठंड है यार इधर थोड़ी थोड़ी, मतलब अभी मेरे को इसमें ठंड लग रही है। एक तो मैंने कुछ पहन ही नहीं रखा, मतलब रात को एक जरूरत पड़ती है एक जैकेट की, पतली जैकेट या पूरी बाजू की टी शर्ट या स्वेटर कुछ हो तो। 1.63 तो आदमी मेरे से आगे पूछ रहा था कि बास्केटबॉल खेलते हो क्या, मैं बोला नहीं, बोला हाइट कितनी है, 6'4" 24 सेंटीमीटर से, मैं बोला हाँ। इस पे पजामा देखे गया अपने लिए है क्या, या कल सुबह देख लेंगे। बढ़िया स्टोर है, इधर आ ही गया मैं पजामा देखने के लिए, क्योंकि ठंड है यहाँ पे, शॉर्ट्स है मेरे पास वो काम नहीं देगी और जीन्स में ट्रैवलिंग होती नहीं, तो पजामा ही बेस्ट रहता है। पर शायद इनके पास मेरे साइज का मिलेगा नहीं, वो गई तो है ढूंढने, तो हमेशा की तरह यहाँ भी नहीं मिला पजामा मेरे साइज का, सारा स्टोर ढूंढ लिया उसने। उस लड़की का नाम था फतिमा, पहली बार सुना मैंने फतिमा नाम इस एरिया में। वो मार्केट ख़त्म हुई, उसके बाद आ गया हम इधर जिधर से मैं शुरू में उतरा था ना बस में से, उसी इलाके के पास है वो, ये सामने देखो बस स्टॉप। सैर करते करते आ तो गया मैं इस जगह जिधर एक जिम की लोकेशन दिखा रहा है, जो जिम 10:30 बंद होता है रात को, अभी 8:30 मेरे को लेग्स ट्रेन करने, और लेग्स के लिए आमतौर पर मुझे 3 घंटे लग जाते हैं, तो थोड़ा जल्दबाजी में करना पड़ेगा अगर जिम खुला मिलता है तो। और यूँ बोलते हैं कि हम तो 10:30 से पहले ही बंद कर देंगे, तो मैं टाल कर दूंगा जाने की, कल सुबह चला दूंगा। इधर ये मॉल का रास्ता था पार्किंग में से कहीं से, बड़ी मुश्किल से ढूंढा और इधर जाके जिम में पूछता हूँ इधर वनडे पास है क्या। अब तो भाई जिम में कोई भी वनडे पास नहीं था, कमाल हो गया यार। आया मैं इतनी दूर से ढूंढ गया, मन भी था पूरा, चलो कोई नहीं, बोले कि मिनिमम 1 महीने का है, जिम टूर ले सकते हो वो फ्री का है, पर एक्सरसाइज नहीं कर सकते और 1 महीने की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। कुछ यहाँ की स्पेनिश भी अलग है, मेक्सिको से बोले कि नेवील कर रहे थे, मतलब सेकंड फ्लोर, तो मेरे समझ में नहीं आ रहा, मेक्सिको में शायद प्लांटा बोलते हैं या जो भी, इधर कुछ वर्ड्स अलग है, तो दिक्कत हो रही है। बाकी मैं आप लोगों को हेयरकट का रेट बताना भूल गया, तो 75 ग्वाटेमाला कुत्सल थे हेयरकट के और दाढ़ी के बीच नहीं, तो टोटल 150 ग्वाटेमाला कुत्सल, जो कि अपने इंडिया के 1,500 रुपये से थोड़े से ज़्यादा बने, प्लस मैंने 5 कुत्सल टिप भी दी थी, तो मेरे ख्याल 1600-1700 रुपये लगे मेरे इस बाल कटवाने के और दाढ़ी के, जो कि इंडिया के कंपैरिजन में काफ़ी महंगे हैं, पर US में तो $50 लगते थे भाई, 4,000-4,500 रुपये लगते थे, तो US से काफ़ी सस्ता है, यूरोप से भी सस्ता है, पर इंडिया से काफ़ी महंगा है। मेरे ख्याल से अपने इंडिया की सबसे सस्ती चीज़ है ना हेयर कट ही है, और देशों से कंपेयर कर दो, इंडिया जितना सस्ता हेयरकट किसी देश में नहीं, आसपास भी नहीं इंडिया के। ऑलमोस्ट पहुंच गया मैं हॉस्टल, पीछे पता नहीं क्या होने लग रहा था, अंधेरा था तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं पाया, दिख नहीं रहा था कुछ, लेकिन कोट पैंट में मास्क पहने खूब सारे आदमी खड़े 10-12, काला कोट पैंट टाई और मास्क लगा के हाथ में टॉर्च ले रखी और लाइटें मार रहे ऐसे टॉर्च से सड़क पे, कोई भी गाड़ी बाइक आ रही उसे रुकवा रहे, शायद पुलिस वाले थे, पर पता नहीं कोट पैंट पहन के क्यों खड़े थे रात के 9 बजे। ये देखो अपनापन फील हुआ, पल्सर डिस्कवर बॉक्सर V100 वापस आ गया अपने इलाके में, एक नंबर कह रही है।
pero es que quiero comerte.